माँ सर्वेश्वरी तम पाही माम शरणागतम। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवस पंडा शास्त्री ज्योतिषाचार्य तंत्र विशेषज्ञ। मित्रों, आज आपको कुछ ऐसे टोटके उपाय बताने जा रहा हूँ जिनको करके मात्र दो दिन में आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपनी समस्त समस्याओं से छुट्टी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे क्या उपाय हैं, इसे बताने से पूर्व मैं आप लोगों से विनम्र आग्रह करूंगा, जो भी मेरे चैनल पर अभी भी आए हैं तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वरना बाद में आप भूल जाएंगे। मैं निरंतर वीडियो बना रहा हूं, मुझे उम्मीद है मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपनी राय जरूर दें, जिससे मैं वीडियो में और सुधार लेके आ पाऊं। मित्रों, भाग्य को बनाना और बिगाड़ना हमारे ही हाथ में होता है। आपके जो कर्म हैं वो आपके भाग्य को बनाते और बिगाड़ते हैं। यदि आप इन उपायों को, इन टोटकों को करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही समय में, कुछ ही दिन में आपके भाग्य में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगेगा। आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा, आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। घर में यदि कोई समस्या चल रही है उसका निवारण होने लगेगा। धन संबंधी यदि तकलीफ हो रही होगी वो कम हो जाएगी। यदि आपके घर में कोई रोग से ग्रसित है, रोग से पीड़ित है, तो वो खत्म होने लगेगा। क्लेश चल रहा है वहां पे भी आपको काफी आराम मिलने लगेगा, घर के क्लेश खत्म होंगे और एक खुशहाली वातावरण घर में निर्मित होने लगेगा। तो क्या है वो उपाय टोटके, सुनिए मित्रों। कभी भी सूर्यास्त के बाद किसी को भी दूध, दही, पनीर, प्याज आप ना दें, ना दान करें, ना किसी को दें। यदि कोई मांगता भी है तो उसे आप सुबह बुलाएं, सूर्यास्त के बाद कदापि ना दें। ये आपके दुर्भाग्य का कारक बन सकता है, तो इसे ध्यान दें। दूसरा, महीने में, दो महीने में एक बार आप अपने व्यवसाय में या अपने ऑफिस में जहां भी आप कार्यरत हैं वहां मिठाई लाएं और लोगों को बांट के खिलाएं, खुद भी खाएं। ये आपके तरक्की के रास्ते को खोलता है। तीसरा, घर के इन दरवाजे के पास कभी भी कूड़ादान ना रखें। ऐसा करने से दरिद्रता आपके घर पे दौड़ी चली आएगी, फाइनेंशियली तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, तो ये कार्य कदापि ना करें। यदि धन संबंधी समस्याएं चली आ रही है धन लाभ हेतु, घर के मंदिर में कलश जरूर रखें और नियमित उसका पानी बदलते रहें। ऐसा करेंगे तो आप देखिएगा आपकी धन संबंधी समस्याओं का निवारण अपने आप होने लगेगा। एक लोटा जल तांबे के लोटे में भर के द्वार के नजदीक रख दे, मुख्य द्वार के। जब भी बाहर जाए उसे देख के जाए, जब भी अंदर आए उसे देखते हुए अंदर आए। ऐसा करिएगा तो आपकी बहुत सारी समस्याओं, तकलीफों का निवारण होने लगेगा और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपके घर में निर्मित रहेगा। शुक्रवार के दिन घर में खीर बनाए और मिल बांट के खाए, महालक्ष्मी को भोग लगा के। ऐसा करेंगे तो आपके घर में एक सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ में यही आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी। नमस्कार मित्रों।